हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के अंदर, मतलब इस वीडियो का जो कंटेंट है, इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले हैं, उसके लिए तुमने इतने सारे कमेंट्स किए थे, इतने सारे डीएम्स थे कि भैया एक ना टाइम टेबल का वीडियो लेकर आओ, भैया आप एक ऐसा वीडियो लेकर आओ, बस एक ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसा पेज हमको ला कर दे दो, उस पेज पे जो भी लिखा होगा ना हम फॉलो कर लेंगे। ठीक, मतलब आप ना ऐसा कुछ टाइम टेबल ला दो जिससे कि हमारे 95% आ जाएंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे, फिर हमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज का ये वीडियो जो है, ये वीडियो तुम्हें पूरे साल भर याद रहेगा। ठीक, इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वो सबसे पहली बात तो बहुत जेन्युइन है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। ठीक, क्योंकि जीवन में जब तक तुम किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं लगाओगे ना, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती। ओके, इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देखो, इस चैनल के ऊपर पढ़ले टेंथीज, जो स्पेसिफिकली आपका 10th क्लास के लिए चैनल है, padhle.in जो कि आपकी वेबसाइट है, सब जगह तुम्हारे लिए कम्प्लीटली फ्री कंटेंट आता है। कम्प्लीटली फ्री कंटेंट, वो हर एक चीज़ जो कि तुम्हें इस पूरे साल में लगने वाली है, जीरो कॉस्ट में, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये कोई भी पेड कोर्स नहीं है। ठीक, तो बदले में मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यार जब तुम सब्सक्राइब करते हो या फिर जब तुम एक छोटा सा लाइक छोड़ते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अभी वीडियो को देख के मेरा लाइक कर दो, ऐसा कुछ नहीं, जब तुम एक प्यारा सा कमेंट करते हो कि भैया आज आपके नोट्स के कारण जो है मेरे इतने नंबर आए, तो अंदर से बहुत खुशी होती है कि यार यही बच्चे हैं जिनके लिए एक जो कंटेंट आज प्रोवाइड किया है ना, यही बच्चे उसको यूज़ कर रहे हैं और मतलब तबाही मचा रहे हैं। ठीक, तो वो एक अप्रिसिएशन का मार्क मुझे फील होता है कि यार नहीं, बच्चे ने सब्सक्राइब किया है, उसको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल हर रोज़ डेली प्रोवाइड करना है। तो बस यही होता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हो तो अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं, अब और बच्चे जुड़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो या लाल बटन नीचे है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक टाइम टेबल सुनते हुए तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? एक पन्ना होगा भैया, उस पेपर के ऊपर आपने ये लिखा होगा टाइम टेबल। ठीक, आपने लिखा होगा उठने का समय कि इतने बजे मैं उठूंगा, मान लो 9 बजे उठते हो, लॉकडाउन चल रहा है मान लेता हूँ। ठीक, 9 से 9:30 मैं, मतलब 9 बजे उठूंगा, 9 से 9:30 फ्रेश होऊंगा। ठीक, फ्रेश हो जाऊंगा। ओके, 9:30 से 10 तक मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, 10 बजे मैं जो पढ़ने बैठूंगा सीधा उठूंगा 2 बजे। ठीक, फिर 2 से 2:30 तक मैं लंच कर लूंगा, फिर 2:30 से 3 मैं रेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं 3 से 6 पढ़ूंगा, 6 बजे खेलने जाऊंगा। ठीक, मतलब आसपास ही, घर में ही खेलो, नहीं तो बाहर मत जाओ, ठीक है, कोविड चल रहा है। ओके, वापस आऊँगा, डिनर करूँगा, पढ़ूंगा और सो जाऊँगा। ये आपका आइडियल टाइम टेबल है भैया, बस हमको ये बना के दे दो। अगर मैं तुमको बोलूँ कि इस चीज़ से तुम्हें 0% का भी फायदा नहीं होगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि भैया क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी बोल रहे हो? हाँ, ये प्रैक्टिकल है। ठीक, अगर तुम ऐसा एक पन्ना बना के चाहते हो, उसको चिपका देते हो कि बस इसे मैं फॉलो करूँगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, इसके बाद में ये पन्ना वैसे ही पड़े रह जाता है। क्यों पड़े रह जाता है? इसका एक कारण है। देखो, आप अपने आने वाले दिनों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक, आप एक ही टाइम टेबल को हर रोज फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन में हमारे कुछ ना कुछ ऐसी आपत्तियां आ जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे काम आ जाते हैं जो कि हमको टाइम निकाल के करने पड़ते हैं, और तब यह टाइम टेबल पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। और जब यह टाइम टेबल बिगड़ जाता है तो उसे फॉलो करने का मोटिवेशन भी चला जाता है। ठीक, गलती से मान लो कि तुमने सोच रखा है कि 4 बजे पढ़ने बैठूंगा, गलती से घड़ी में 4:05 हो गई। ठीक, और सिर्फ किसी एक बच्चे की साइकोलॉजी नहीं है, ये हर एक बच्चे की साइकोलॉजी होती है कि गलती से उसमें 4:05 हो गई, तुम पढ़ने का समय सीधा 5 बजे का कर दोगे, और टाइम है पढ़ने नहीं बैठूंगा, आप सीधा 5 बजे बैठूंगा, और ये रियलिटी है। तो ये टाइम टेबल तो बिल्कुल होगा तुम्हारा रिजेक्ट। ठीक भैया, हमने तो इसके लिए वीडियो पे क्लिक किया था, आप तो यही बताओगे हमने ये सोचा था। राइट, मैं अभी जो तुमको बताने वाला हूँ ये पूरे साल तुम्हें याद रहेगा, क्योंकि इतना सिंपल अप्रोच है जो कि तुम्हारे इतने बड़े सिलेबस को बहुत छोटा सा बना देगा और तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। ठीक, अच्छा, एक और अप्रोच तुम्हारे दिमाग में होगा, पहले मैं तुम्हारे अप्रोचेस तुम्हें बता देता हूँ और इनका क्या सीन है वो भी बता देता हूँ। एक और अप्रोच आया होगा, भैया टोटल ना 55 चैप्टर्स हैं, अगर हर वीक में मैं 2 चैप्टर करता हूँ, ठीक, तो 2 वीक में 4, 3 वीक में 6 और 4 वीक में 8, यानी कि 1 महीने में 8 चैप्टर्स, 2 महीने में 16, इस तरीके से ना मैं 4, 5, 6 महीनों के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा भैया। तुम्हें क्या लगता है इससे पहले किसी ने भी इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं? तुमसे पहले की बैच मैंने भी ये सोचा, और तुम यहाँ पर थोड़ा सा सही सोच रहे हो। हाँ, मैं मानूंगा कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा सही सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तुम कोई टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, तुम अपना एक टारगेट सेट कर रहे हो कि यार ये टारगेट है 1 वीक में 2 चैप्टर का। लेकिन इसको भी बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, ठीक,
और आगे ढकेल देते हैं क्योंकि ये बहुत आसान लगता है, और जब आपको चीज़ें आसान लगती है ना, आप उसको अरे ये तो आसान है कर लेंगे पे छोड़ देते हो। अब बात करते हैं भैया करना क्या है। जो एक लाइन में बोलूँगा ना, इस एक लाइन में तुम्हारे आने वाला पूरा टाइम समअप हो जाते हैं। एंड दैट इज अल्टरनेट सब्जेक्ट्स विथ प्रैक्टिस बीस्ट एवरी डे। क्या बोल रहे हो भैया, बिल्कुल सर के ऊपर से गया आपने, जो बोला वो आप ही समझो। मैं तुमको समझाता हूँ, देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, एक ऑप्शनल होगा आपके पास, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथ, सोशल साइंस, ठीक, इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल, ये आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जनरली, ठीक, जनरली बच्चे आखिरी के समय पर ही करते हैं। और मैं भी तुमको यही रिकमेंड करूँगा कि इन चैप्टर्स पर तुम्हें इतना ज़रूर ध्यान देना है कि तुम्हारा स्कोर मेंटेन रहे। अगर तुमने 95 का एम कर रखा है तो इंग्लिश या फिर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट, तुम्हारी कोई लैंग्वेज या फिर तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनमें तुम इतना स्कोर जरूर करो कि तुम्हारा परसेंटेज मेंटेन रहे। अगर तुमने 95 सोचा तो 95 ही रहे, ठीक। तो इसके लिए तुम थोड़ा बाद में पढ़ना चालू कर सकते हो, थोड़ा सा एंड में पढ़ना चालू कर सकते हो। जनरली बच्चे यही करते हैं, ठीक, जनरली बच्चे यही करते हैं। ओके ग्रेट। तो मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूं कि आज से पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन रोज का दो दो तीन तीन घंटा इनके पीछे मत दो। अब हम आ जाते हैं साइंस, सोशल और मैथ के ऊपर। ये आपके तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं, वेरी गुड। अब ये तीनों ही सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, साइंस भी इंपॉर्टेंट है, सोशल भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स भी इंपॉर्टेंट है। जनरली मैंने टाइम टेबल्स में देखा है, कुछ बच्चों ने मुझे उनके टाइम टेबल्स भी सेंड किए थे कि 5 से 6 साइंस, 7 से 8 सोशल और 9 से 10 मैथ्स। हर रोज तुम सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ोगे, हर रोज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने से होता ही है ना कि जो 5 से 6 में तुमने पढ़ा है वो 7 से 8 में फेड हो जाएगा, और 9 से 10 में तो 5 से 6 वाला बिल्कुल गुल हो जाएगा। पॉइंट है कि तुम्हें एक दिन में 2 सब्जेक्ट करने हैं, वो भी शिद्दत से करने हैं। ऐसे शिद्दत से कि अगर 2 दिन बाद कोई उठा के तुमको ये पूछ ले कि भाई साहब तुमने परसों वाले दिन इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो ओम्स लॉ पढ़ा था वो मुझे सुना के बताओ, तो तुम सुना दो। सो तुम्हारा हमेशा ये पैटर्न रहना चाहिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब्जेक्ट। अब तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट्स मेन 2 कौन से, साइंस और सोशल, प्रैक्टिस वाला कौन सा है, मैथ्स। मैथ्स तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना है, नो एक्सक्यूजेस। पॉइंट ये है कि तुम्हें मैथ्स हर रोज प्रैक्टिस करना है और अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स को अल्टरनेट डेज पर चेंज करते रहना है, ठीक। यानी कि आज अगर साइंस पढ़ा तो कल सोशल पढ़ लो, फिर वापस साइंस पढ़ लो, फिर वापस सोशल पढ़ लो। इससे कभी भी तुम्हें, पहली बात तो बोरियत नहीं होगी, तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार रोज साइंस पढ़ रहा हूँ, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा मैथ्स तो चल रहा है। और एक्चुअल में मैथ्स को अगर तुम डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तुम जल्दी से जल्दी मैथ्स को खत्म कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। देखो मुझे एक बात बताओ, मेटल्स और नॉन मेटल्स में तुमने मेटल्स वाला पोर्शन पूरा पढ़ लिया, ठीक है, पूरी थ्योरी तुमने समझ ली हर एक चीज़। अब उस थ्योरी से बाहर कोई सवाल आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन जब हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो मैथ्स में क्वेश्चंस के पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग तरीके से एक ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट, क्या ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल हमारे पहली बार में बन जाते हैं? नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि उसमें हमें अलग अलग तरीकों के सवाल आते हैं। फॉर्मूलाज कुछ ही हैं लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं। इसीलिए तुम्हें हर रोज ये ट्राई करना है कि तुम एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा जो है वो तुम्हारा मैथ्स में प्रैक्टिस कर रहे हो। जो भी चैप्टर है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स फिनिश करो। मैं तुमको एक चीज़ बता दूं यार आगे बढ़ने से पहले, कि हम लोग जो है वो पढ़ ले 10th आपके चैनल के ऊपर पूरा आपका सिलेबस कवर करवा रहे हैं, ठीक, साइंस और सोशल का हर एक चीज़ डिटेल में, कंप्लीटली फ्री, टॉप नॉच क्वालिटी में वहाँ पर अपलोड हो रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ साथ हम मैथ्स की लाइव क्लासेस करने वाले हैं, ठीक, मैथ्स की हम लोग लाइव क्लासेस करने वाले हैं। पिछले साल भी हमने लाइव क्लास की थी, पिछले साल की लाइव क्लासेस के अंदर हज़ारों की तादाद में बच्चे थे, ठीक। इस साल भी हम लोग लाइव क्लासेस करने वाले हैं, और ये लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री रहने वाली है, ठीक। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस डेट से जो है वो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, और ये कंप्लीटली फ्री क्लास रहेगी। कोई भी इस AP01 कोड को डाल के वहां पर एनरोल कर सकता है। लाइव क्लास है और फ्री क्लास है, ठीक। उसमें हम हर एक चीज़ कवर करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, पूरा चैप्टर करेंगे, फिर सवाल करेंगे, फिर क्विजेस रखेंगे, हर एक चीज़ करेंगे। तो आपका साइंस और सोशल इस चैनल के ऊपर कवर अप हो रहा होगा डिटेल में पूरा, साथ में मैथ्स आपका लाइव कवर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि यार जब तक हम मैथ्स को लाइव इंटरेक्शन के साथ नहीं पढ़े ना, लाइव ऐसे सवाल जवाब ना हो, तब तक उसमें उतनी वाइब नहीं आती है। तो हम लोग मैथ्स लाइव करने वाले हैं, ठीक। एनरोल करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एंड लाइव में जो मज़ा आता है वो रिकॉर्डेड में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो, ठीक, तो लाइव क्लास में ज़रूर आ जाना, उसके बाद तुम पुरानी क्लासेस रिकॉर्डेड देख सकते हो। ओके वेरी गुड। तो बात ऐसी थी हमारी कि आपने एक दिन किया साइंस, फिर उसके साथ किया मैथ्स, फिर किया सोशल, फिर उसके साथ किया मैथ्स। पॉइंट ये है कि आपको कभी भी अपने टाइम टेबल को स्टेगनेंट नहीं रखना है, ठीक।
जिस दिन तुम्हारा टाइम टेबल बोर हुआ उस दिन तुम बोर हुए। साइंस के अंदर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सोशल के अंदर भी हमेशा एक चीज ध्यान रखना, खुद को तुम्हें टारगेट्स देने हैं। कैसे टारगेट्स देने हैं? ये सब तुम्हारा टाइम टेबल को लेकर ही, ये तुम्हारा जो पूरा चक्रव्यूह है ना, ये टाइम टेबल का चक्रव्यूह है। इस पूरे वीक में भैया, इस पूरे वीक के अंदर मुझे केमिकल रिएक्शन का हर एक डिटेल्ड आंसर आना चाहिए और हर एक डिटेल्ड टॉपिक मुझे आना चाहिए। यानी कि मुझे केमिकल रिएक्शन की एनसीईआरटी, केमिकल रिएक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और केमिकल रिएक्शंस की जो बैक एक्सरसाइज है, इस पूरे हफ्ते में खत्म करनी है। ठीक, मेरी डेडलाइन है 21 जून। वेरी गुड। जब तुमने अपने पास एक डेडलाइन सेट कर लिया, तुम्हारे पास में मोटिवेशन है, 21 के पहले खत्म करना है भैया। ठीक, अच्छा तुमने कोई टाइम टेबल बनाया नहीं? आज मान लो तुमने केमिकल रिएक्शंस इस चैप्टर को पढ़ा आधा, कल आधा पढ़ लिया, फिर उसके एक्सरसाइजेस की, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, फिर उसको रिवाइज किया। समझ रहे हो बात को? कोई टाइम टेबल था नहीं, लेकिन टाइम टेबल ज्यादा इफेक्टिव था। सोशल में यही करो, इकोनॉमिक्स में हो, मनी एंड क्रेडिट पढ़ लो, पढ़ रहे हो, आज इतना टॉपिक करो, कल इतना, फिर तीसरे दिन क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और रिवाइज मारो। सो इस वीडियो से हम तीन चीजें सीख रहे हैं। खुद के लिए टारगेट्स और डेडलाइन सेट करो। अगर तुम्हारे पास में कल की डेडलाइन है कि नहीं मुझे कल तक केमिकल रिएक्शंस की पूरा चैप्टर खत्म करना है, तो करना है। ठीक, अब तुम वो सुबह करो, शाम को करो, रात को करो, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। राइट, वेरी गुड। दूसरी चीज, आपका पैटर्न हमेशा यही होना चाहिए कि आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट कर रहे हो। अच्छा, कुछ दिन तुम ऐसे भी निकाल सकते हो जहां पर तुम सिर्फ मैथ्स कर रहे हो। ठीक, तुम सिर्फ मैथ्स कर रहे हो। आज तुमने, जैसे कि मान लो थर्सडे है, लेट अस अज्यूम, ठीक है, थर्सडे के दिन पूरे दिन मैथ्स किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैथ्स के लिए भी थोड़ा ज्यादा टाइम देना इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक वीक में एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जिस दिन तुम रिविजन करोगे। इस वीक तुमने जो भी पढ़ा हो उसको नोट डाउन कर लेना और उस पूरे वीक का रिविजन संडे वाले दिन कर लेना। ठीक, जब तक रिविजन नहीं होता ना, तब तक ये पता नहीं चलता कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि एक बार हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, पढ़ने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि ये मुझे याद है कि नहीं याद है। वो तब तक याद नहीं आएगा जब तक तुम खुद को एनालाइज नहीं करोगे। ठीक, वेरी गुड। तो एक वीक में टारगेट्स दे दो कि यार ये चैप्टर में ये खत्म करना है, इस सब्जेक्ट में ये खत्म करना है और मैथ्स में इतने सवाल मुझे करने हैं। तो मान लो कि तुम्हारा डेली का टारगेट है मैथ्स में मुझे रोज के 25 सवाल या फिर 20 सवाल करने हैं, तो वो करने हैं, वो डेली टारगेट है। फिर उसमें तुम्हें एक घंटा भी लग सकता है, फिर एक घंटे से ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन गलती से तुमने ये सोच रखा है कि 5 से 6 मैथ्स करूंगा, तो तुम्हारे 10 सवाल अगर एक घंटे में हो रहे ना, तो तुम उठ जाओगे, अरे चलो एक घंटा तो हो गया मैथ्स पढ़ने का। नहीं, लेकिन टारगेट क्या था, 25 का था, करे कितने, 10। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा चक्रव्यूह हमें फंसाता है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए सारा फ्री कॉन्टेंट 10th क्लास के लिए लेक्चर्स, डिटेल्ड कंप्लीट लेक्चर्स पढ़ले 10th वाले चैनल पर आ रहे हैं। आपकी लाइव मैथ्स की क्लासेस होने वाली है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, डेट आपको सामने दिख रही है। अब स्पेशली लाइव क्लासेस में क्यों ले रहा हूँ, हर एक चीज में बिल्कुल फ्री में तुम्हारे लिए क्यों कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली ये लगता है यार कि जब पिछले वाली बैच को सारे रिसोर्सेज मिले थे, तो इस वाली बैच को भी मिलने चाहिए, क्योंकि तुम सब हो मेरे छोटे भाई बहनी, इसी साल आए हो। ठीक, बिल्कुल ऐसे थोड़े से डरे हुए हो कि 10वीं क्लास में भैया क्या होगा, पूरे साल साथ हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। पूरे साल भर टाइम टू टाइम वीडियोज आएंगे, टाइम टू टाइम लेक्चर्स आएंगे, टाइम टू टाइम क्लासेस होंगी, जब तुम्हें लगेगा तब आएंगी। ठीक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आई होप कि तुम इस टाइम टेबल वाले स्कैम और इस टाइम टेबल वाले ट्रैप से छूट चुके हो। पूरे साल भर अगर तुम्हें कहीं भी ऐसा लगता है कि यार ये तो डेली के टाइम टेबल कैसे आ रहे हैं, तो समझ जाना कि कुछ नहीं है, वो तो बस ओके, कोई बात नहीं। तो आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो का क्रक्स आप समझ चुके होंगे कि एक पन्ने पर लिख के उसे टाइम टेबल नहीं कहते, उसे कहते हैं खुद को बेवकूफ बनाना। ठीक, आप लोगों के लिए लेक्चर्स आ रहे हैं, कंप्लीटली फ्री है, जब चाहो तब देख सकते हो। हमेशा एक डेडलाइन सेट करके रखो और उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग चलो। थ्योरी और प्रैक्टिस वाला पोर्शन प्लीज याद रखना, वो रोज तुम्हें फॉलो करना है। और तुम्हें कुछ भी लगे, तुम मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मतलब अगर तुम टैग करते हो स्टोरीज में, तो मैं वो जनरली देख लेता हूँ। ठीक है, वेरी गुड। आई होप कि आपको पॉइंट्स सारे क्लियर होंगे और मैं चाहता हूँ यार कि पूरे साल भर तुम लोग तबाही मचाते रहो, मेरे साथ हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ओके, वेरी गुड। बस आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।